नमस्कार साथियों, मैं तरक हरियाणा और मजदूरवाणी टीवी के लिए जर्नल सिंह आपकी सेवा फिर से हाजिर हूं। और आज हमारे साथ साथी कांग्रेस से विनीत कंबोज जी हैं। चर्चा करेंगे कि माहौल जो है किस तरह का है। तो सर नमस्कार। नमस्कार सर, माहौल की अगर बातचीत की जाए तो किस तरह का माहौल है? माहौल आपके सामने है क्योंकि सिरसा लोकसभा में कुमारी शैलजा जी जो लड़ रहे हैं, सिरसा लोगों की मांग थी शैलजा जी को यहाँ भेजा जाए और हम उनको जिताके भेजें। जो सिरसा के आमजन ने मांग करी, जितने भी सर्वे हुए कांग्रेस पार्टी के, उसमें शैलजा जी का नाम आया और हाईकमान ने उनको टिकट देके यहाँ भेजा। उसके बाद जिस तरीके से लोगों ने डिमांड करी थी, उससे भी ज्यादा बढ़ चढ़ कर ये लोगों ने अपना इलेक्शन बना लिया है और सिरसा की जो जनता है वो खुद इस इलेक्शन को लड़ रहे हैं। सर मैनिफेस्टो को लेकर बातचीत की जाए विनीत जी, तो किस तरह का जो किस तरह की अंदर बातें किस तरह की गई है, क्या कुछ प्रावधान किए गए उसके अंदर? आपको मालूम है हमने कांग्रेस पार्टी ने लीडरशिप में हाईकमान ने नाम दिया है कांग्रेस की गारंटी जी, तो उसमें महिलाओं के लिए हर साल एक महिला को 1,00,000 रुपए दिया जाएगा, मतलब महीने का 8,500 रुपए करके एक बड़ी महिलाओं को दिया जाएगा। और उसके साथ साथ नौकरी के अंदर 50% भी लाया जाएगा, जो 50% नौकरी महिलाओं को मिले। और उसके बाद युवाओं के लिए भी है उसमें न्याय कि जो 30,00,000 नौकरियां खाली पड़ी हैं वो सबसे पहले भरी जाएंगी। और उसके साथ साथ जो नए बच्चे आ रहे हैं अपनी डिग्री करके आ रहे हैं तो उनको पहली नौकरी का वादा कांग्रेस पार्टी ने किया है, और जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तो उनको कुछ सहायता सरकार की तरफ से की जाए। तो वैसे ही मजदूरों के लिए है, आपको मालूम है मनरेगा कांग्रेस पार्टी लेके आई थी जी, तो बहुत सारे मजदूर पूरे देश के अंदर एक तरीके से उनको गांव के अंदर ही मजदूर को सरकारी नौकरी मिली। पर आपको मालूम है पिछले 10 साल बीजेपी की सरकार रही, वो धीरे धीरे मनरेगा का जो बजट है उसको कम, और अब कांग्रेस की सरकार इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो हम जो 100 दिन का वादा है वो भी पूरा करेंगे। और उसके साथ साथ आज से 10 से 15 साल पहले दिहाड़ी थी, वही दिहाड़ी आज चल रही है। 400 रुपए का कांग्रेस पार्टी ने गारंटी करी है, 400 रुपए हम मजदूर की दिहाड़ी करेंगे। उसके साथ साथ किसानों का आपने देखा पीछे इतना बड़ा आंदोलन हुआ जी, तो किसानों की जो मांग थी सबसे बड़ी एमएसपी के लिए कानून लेके आएंगे और एमएसपी की गारंटी कांग्रेस सरकार देगी। विनीत जी, बीजेपी वाले 400 पार का नारा दे रहे हैं, किसने दिया? बीजेपी वैसे तो झूठी पार्टी, आपको मालूम पीछे हमारे हरियाणा के इलेक्शन हुए थे 4.5 साल पहले, तब इन्होंने नारा दिया था 75 पार। ये कहाँ पे आकर रुके, बहुमत भी नहीं बचा है 40 सीटों पर आकर। उसी तरीके से इन्होंने बंगाल में नारा दिया था, वहां पर इनके क्या हालात हुए, कर्नाटक में इन्होंने नारा दिया था, वहां पे क्या हालात। अब की बार देश के अंदर भी ये झूठ फैलाने की इनकी कोशिश थी 400 पार। राहुल जी ने पहले ही बोला 180 के पार भी नहीं कर रहे। जैसे जैसे इलेक्शन बीत रहा है वैसे वैसे रिपोर्टें आ रही है, अब लग रहा है ये 150 से नीचे रहे। सर एक कल रानिया में कृष्ण कुमार बेदी जी तो उनसे सवाल हुआ कि किसान विरोध प्रदर्शन को आप किस तरीके से देखते हैं, तो उनका जवाब ये था कि ये जो विरोध कर रहे हैं हमारी दुकान में सामान ही इतना है तब हमारा विरोध करते, उसको किसने दिल्ली से देखो जी? ऐसे सीधी बात करनी चाहिए जी, वहां से बात करता है। किसानों को तंग किया गया है बीजेपी के द्वारा, जी चाहे मजदूर है उनको भी तंग किया गया। 3 काले कानून लेके आए थे, वहाँ हमारे किसान 1 साल से ऊपर दिल्ली बैठे रहे, लोकल प्रदर्शन करते रहे, 500 से ज्यादा हमारे किसान शहीद हुए। अब उसके बाद अभी आपने देखा हरियाणा और पंजाब बॉर्डर में ऐसे बना दिया जाते पाकिस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर, हमारे युवा किसान साथी को गोली भी लगी, मौत हुई, बहुत सारे बलिदान हुए हैं। उससे पहले भी आपने लखनपुर खीरी में देखा, वो किसान अपना शांति में प्रदर्शन कर रहे थे, वहाँ गाड़ी बता के उनको मारा गया, फिर उसी के लड़के ने मारा, उसी को दोबारा टिकट दी गई है। ये किसान विरोधी है और किसानों को अच्छे से मालूम है। तो विनीत जी, आने वाली 25 मई को चुनाव है, तो किस तरह का जो संदेश वो हमारे चैनल के माध्यम से आपके समर्थक देकर किस तरह का संदेश? पहला तो मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि आप सब जितने भी रानिया हल्के के शिक्षा के वासी हैं, वोटर हैं, आप अपना वोट जरूर डालें जी, क्योंकि ये 5 साल बाद मौका मिलता है जी। आपका वोट डालने के बाद ही आप अपनी सरकार चुन सकते और फायदा ले। और हम कांग्रेस के लिए अपील करेंगे, शैलजा जी के लिए अपील करेंगे, 5 नंबर पर उनका निशान है शैलजा जी का, 5 नंबर पर पंजे पर हाथ के निशान पर 10 से ज्यादा वोट डालें, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी इस बार मुद्दों पे इलेक्शन लड़ रही है। जो बेरोजगारी होगी उसको दूर करना है, जो हमारे मजदूर है उनको जो स्कीमें सरकार की तरफ से बनाई गई है केंद्र सरकार की तरफ से वो नहीं मिल रही, तो ऊपर से तो कानून बने हुए हैं पर ये दे नहीं रहे, कानून के लिए भी है एमएसपी भी नहीं ये दे रही, तमाम चीजें चाहे महिलाओं के लिए हो चाहे आरक्षण वाली बात हो, हर चीज की गारंटी दी है। और उसको देखते हुए आप मुद्दे पर आके सभी साथियों से अपील है मेरी कांग्रेस को। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ विनीत जी कंबोज, जिन्होंने अपने विचार हमारे चैनल के साथ से व्यक्त किए। इनके विचार आपको बढ़िया लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।